जो मनुष्य अपने आप बंध जाता है वही बंधन मुक्त हो जाता है। बिना पतवार का जहाज स्वतंत्र नहीं है, इधर उधर टकराता है और आखिर किसी कगार से टकराकर टूट जाता है। वह समुद्र की लहरों की दया पर चलता है। उसी तरह जो मनुष्य पहले से ही अपनी मर्यादा निश्चित कर लेता है वह जीवन रूपी तूफानी समुद्र से जूझता है और शांत रह सकता है। पढ़े के अनुसार ही आचरण करके हम पढ़ाई को लोकप्रिय बना सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छे व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करते हुए मुझे मन में रखना चाहिए। यह एकदम सच है। जब हमें कोई देखने वाला होता हो तो वह हमारे दोषों और गुणों को ध्यान से देखता है और उसका लेखा जोखा रखता है। हमारे गुणों का कोई महत्व नहीं क्योंकि वे तो उसमें होने ही चाहिए। हमारे दोषों के कारण हमारे ऋण बढ़ते जाते हैं, इसलिए सावधान रहो। दुख और आनंद, प्रसन्नता और कष्ट निस्संदेह हमारे कुछ पिछले कर्मों के फल हैं जो स्वयं हमने किए हैं। इस तरह का चिंतन हमें अपने कष्टों को बिना भय या घबराहट के सहने की क्षमता प्रदान करता है। हमें जो कष्ट मिल रहा है वह वास्तव में कष्ट नहीं बल्कि ईश्वरीय अनुशासन है। यदि घोर अपराध करने पर उतारू किसी व्यक्ति को कोई सांप काटकर उसे अपना काम करने से रोक दे तो सांप का काटना उसके लिए वरदान हो जाता है। अगर थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को आप माफ करने की उदारता नहीं दिखा सकते तो बदले में आप भी उसे थप्पड़ लगा दें, इसे मैं समझ सकता हूँ। लेकिन थप्पड़ मारने वाले के भाग जाने के बाद उसके रिश्तेदार, उसकी जाति या उसके मजहब में किसी दूसरे आदमी को मारकर थप्पड़ का बदला चुकाना इंसानियत के खिलाफ है।